गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं ऋषिराज यादव और मेरे साथ में डॉक्टर आयुष पारिक। आज हम गुरुनीति का 39 एपिसोड आपसे डिस्कस करने वाले हैं और इससे पहले नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन के 2 एपिसोड हम कंप्लीट कर चुके हैं और इस टाइम पर हम 3rd एपिसोड स्टार्ट करेंगे। तो डॉक्टर आयुष पारिक मेरा 100% इसमें साथ देंगे। जी सर, बिल्कुल। और हम लोग मिक्स्ड अप्रोच पे चल रहे हैं, सभी उन पॉइंट्स को जिन पे एनटीए क्वेश्चन पूछ सकती है और एनसीईआरटी के सभी चीजों को हम लोग कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। मैक्सिमम से मैक्सिमम 65 तक हम लोग कर चुके थे सर, 66 से स्टार्ट कर रहे हैं। हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितने स्टेटमेंट करेक्ट है, हमें स्टेटमेंट दे रखे हैं। अब हम ये कह सकते हैं कि ये जो करेक्ट है इसको पहले लेबल कर लेते हैं, क्योंकि कंफ्यूजन हमारा कहां रहता है कि करेक्ट है या इनकरेक्ट है, ये पता ही नहीं लगता। कई बार हम आंसर गलत लगा देते हैं इस चक्कर में। वेरी सिंपल नर्वस सिस्टम इज फाउंड इन लोअर इनवर्टिब्रेट्स, बिल्कुल ये स्टेटमेंट हम कह सकते हैं, ये स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएं, तो हायर वर्टिब्रेट्स में कॉम्प्लेक्स होगा और इन्वर्टिब्रेट में सिंपल होगा। इवोल्यूशन की शुरुआत इस तरीके से हुई है, सिंपल से चीजें इवॉल्व होकर कॉम्प्लेक्स बनी है। जी, न्यूरल सिस्टम फर्स्ट टाइम अराइज इन हेलमिंथ, ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। हेलमेंथीज, एसके हेलमेंथीज है या प्लेटी हेलमेंथीज है, इनसे पहले भी न्यूरल सिस्टम की ओरिजिन हो चुकी है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स। जैसे कि हम बात करते हैं कि सिलेंट्रेटा में न्यूरॉन डेवलप हो चुके हैं, तो इसका मतलब सिलेंट्रेटा तो इससे पहले आ गया, तो इसलिए भी ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो गया। जी, अब सर ये पूछ रहा है, इन सिलेंट्रेट्स नर्वस सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ ए नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन। जैसा कि हमने लास्ट गुरुनीति में भी डिस्कस किया था, डिफरेंट टाइप के न्यूरॉन, एपोलर है, यूनिपोलर है, मल्टीपोलर है, तो न्यूरॉन का नेटवर्क प्रेजेंट है किसमें, सिलेंट्रेट्स में। सिलेंट्रेटा का दूसरा नेम निडेरिया, निडेरिया है सर। अब उस निडेरिया के अंदर एपोलर न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं, तो हम कह सकते हैं नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन तो प्रेजेंट है, तो ये भी कैसा है, ट्रू स्टेटमेंट। जैसे कि हाइड्रा में हम लोग देख सकते हैं। जी, इंसेक्ट ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ मेनी गैंग्लियन। गैंग्लियन एक काफी अच्छी टर्म है, इसमें भी कई बार बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, तो इस स्टेटमेंट के पहले हम लोग थोड़ा गैंग्लियन के बारे में भी बात करेंगे। अब ये पूछ रहा है कि सर जो इंसेक्ट का ब्रेन है वो काफी सारे गैंग्लियन का बना हुआ होता है, तो गैंग्लियन को हम लोग समझें तो अलग अलग पार्ट में, यदि मैं इंसेक्ट की बात करूं तो हम कॉकरोच बना सकते हैं। जी सर, कॉकरोच कुछ इस तरीके से बना, ये कौन सा पार्ट हो गया, हेड, ये थोरेक्स और ये एब्डोमेन बॉडी, तो डिफरेंट सेगमेंट्स में यहां पर एब्डोमेन डिवाइडेड है। जी सर, थोरेक्स भी डिवाइडेड है, बिल्कुल। इन डिफरेंट पार्ट में अलग अलग गैंग्लियन है, एब्डोमिनल गैंग्लियन है, थोरेसिक गैंग्लियन है, सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन है, सब इसोफेजियल गैंग्लियन है, तो हम कह सकते हैं कि सो मेनी गैंग्लियन आर देयर, तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो कुल मिलाकर के अगर हम देखें सर इस क्वेश्चन में, तो हमारा फर्स्ट सही है, सी सही है और डी सही है, यानी टोटल 3 स्टेटमेंट्स करेक्ट है। जी, तो 3 हमें ऑप्शंस में देखिए सर, सेकंड नंबर के ऑप्शन में हमें 3 मिल जाता है, तो करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर सेकंड है सर। नेक्स्ट पे चलते हैं सर, सेलेक्ट दी इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इससे पहले वाले में करेक्ट की बात थी और अब ये इनकरेक्ट, तो इस प्रकार से कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, तो वही सबसे पहले इनकरेक्ट पूछा है, ये ध्यान में रखना है आपको। नर्व इंपल्स इज ट्रांसमिटेड थ्रू सिनेप्स इन ह्यूमन नर्वस सिस्टम। नर्व इंपल्स जो है वो सिनेप्स के थ्रू ट्रांसमिशन, एक वर्ड होता है कंडक्शन, जी एक वर्ड होता है ट्रांसमिशन। एक सिंगल न्यूरोन है, बिल्कुल सर, यहां पर जिस भी फॉर्म में नर्व इंपल्स आगे चल रहा है इसको बोलते हैं कंडक्शन। एक न्यूरॉन से ये दूसरा न्यूरॉन कनेक्टेड है, यहां से ये इसके ऊपर जाएगा, इसको बोलते हैं ट्रांसमिशन। बिल्कुल, कंडक्शन का मतलब अलग होता है, ट्रांसमिशन का मतलब अलग होता है। जब दो न्यूरॉन के बीच में यदि ट्रांसमिशन हो रहा है, इस गैप को क्या बोलते हैं, सिनेप्स बोलते हैं सर, सिनेप्स। तो हम कह सकते हैं कि ट्रांसमिशन के लिए सिनेप्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो नर्व इंपल्स ट्रांसमिटेड थ्रू साइनेप्स इन ह्यूमन नर्वस सिस्टम, ये स्टेटमेंट क्या है, सही, करेक्ट है, बिल्कुल। तो ये काफी बच्चे इसको है ना कई बार ऐसे समझेंगे कि नर्व इंपल्स नर्वस सिस्टम, तो ये समझेंगे कि न्यूरॉन में बात कर रहा है,
तो इसे कई बार गलत मान लेंगे। पर अब यहाँ पे आपने बहुत सही बात बताई कि ट्रांसमिशन और कंडक्शन में, अगर वायर में से जैसे करंट फ्लो हो रहा है तो वो कंडक्शन है, अब अगर वहां से आपके वाईफाई के थ्रू फिर आपके मोबाइल तक वो डाटा पहुंच रहा है तो ये एक प्रकार से ट्रांसमिशन है। तो इस तरीके से ट्रांसमिशन तो स्नैप से हो रहा है और कंडक्शन जो है वो हमारा सॉल्टेट्री भी हो सकता है या फिर बेसिकली जो दोनों की दोनों जो हमारे चैनल्स होते हैं उनके थ्रू जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है उसके थ्रू भी हम लोग देख सकते हैं। सेकंड है सर, केमिकल स्नैप्स आर लेस इन नंबर इन ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ये स्टेटमेंट गलत हो गया? ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है क्योंकि लेस इन नंबर ह्यूमन नर्वस सिस्टम में इलेक्ट्रिकल साइनेप्स है, तो ये स्टेटमेंट हम कह सकते हैं इनकरेक्ट है। जी सर, तो फर्स्ट वाला हमारा करेक्ट है हाँ, और सेकंड वाला इनकरेक्ट फॉल्स हो गया। द मेम्ब्रेन ऑफ प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन फिजिकली अटैच इन ए केमिकल स्नैप्स। ये तो गलत बात हो गई क्योंकि अगर हम लोग देखें सर, एक न्यूरॉन ये हो गया इस तरीके से और दूसरा न्यूरॉन यहाँ पर इस तरीके से हो गया, ये इसका लास्ट का एक्सॉन टर्मिनल और ये यहाँ से डेंड्राइट, तो हमेशा जो स्नैप्स होगी तो यहाँ पर गैप रहेगा और उस गैप को ही हम सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। तो कभी भी प्री सिनेप्टिक और पोस्ट सिनेप्टिक आपस में फिजिकली कनेक्ट नहीं होंगे। फिजिकली जो कनेक्ट होते हैं वो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में होते हैं लेकिन केमिकल साइनेप्स में ऐसा नहीं होता, नहीं होगा। तो इट मींस ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। आल्सो इलेक्ट्रिक साइनेप्स में इसी कारण जब उनमें डिस्टेंस कम होता है इसी कारण वो जंप कर जाती है सेकंड न्यूरॉन पे। इंपल्स ट्रांसमिशन थ्रू इलेक्ट्रिक साइनेप्स इज फास्टर देन केमिकल साइनेप्स। ये तो बिल्कुल सही बात है, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स जो होते हैं वो फास्टर है, उसमें रेट ऑफ कंडक्शन और रेट ऑफ ट्रांसमिशन जो है दोनों ही ज्यादा डेवलप्ड है। इट मींस ये स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट हो गया सर। तो कुल मिलाकर के सर हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट और फोर्थ स्टेटमेंट सही है, सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट हमारा गलत है। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है पहले ये भी देख लेते हैं। हाँ, यही बात, यही चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, इनकरेक्ट पूछा है जी। तो अगर करेक्ट के आधार पर नहीं, हमें इनकरेक्ट देखना है, तो इनकरेक्ट हो गया सर हमारा सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट। तो ये सेकंड ऑप्शन क्या है यहाँ पर, करेक्ट। हाँ सर, सेकंड ऑप्शन हमारा इसका क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं सर। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉलम इज नॉट करेक्ट मैच, यानी कि अब करेक्ट मैच इनमें से कौन सा नहीं है। ब्रेन के पार्ट्स है सर, थैलेमस, मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग। इट मींस ये जो थैलेमस की बात कर रहा है, थैलेमस हमारी बॉडी के अंदर रिले सेंटर का काम करता है। तो रिले सेंटर का काम कर रहा है तो डिफरेंट टाइप का सेंसरी और मोटर सिग्नल को एक दूसरी पोजीशन पर पहुंचाने का काम भी करेगा। इट मींस ये स्टेटमेंट तो सही, करेक्ट हो गया सर। मतलब थैलेमस एज ए रिसेप्शनिस्ट की तरह काम करता है कि जैसे ही सेरेब्रम के कौन से हिस्से में कौन सी इंपल्स जानी है उस तरीके से डिसाइड करने का काम थैलेमस हमारा करता है फॉर ब्रेन के अंदर। कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमिना बैलेंस ऑफ बॉडी। अब कंफ्यूजन होगा क्वाड्रीजेमिना पे, मिड ब्रेन का पार्ट है ये। मिड ब्रेन में इस तरीके से फोर लोबुलर पार्ट है जी सर, इस लोबुलर पार्ट को बोल रहे हैं कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमिना। क्वाड्रीजेमिना, क्वाड्री मींस फोर, कॉर्पोरा मींस ब्रेन। ब्रेन एंटीरियर टू सुपीरियर, एंटीरियर और पोस्टीरियर टू इंफीरियर। इंफीरियर दीज आर द सुपीरियर, दीज आर द इंफीरियर, और इनके बीच में से एक्विडक्ट ऑफ इटर पास होगी जी। और इन दोनों का मेन फंक्शन जो है वो विजन से रिलेटेड है, और इन दोनों का फंक्शन जो है वो ऑडिटरी से रिलेटेड है। विजन भी ऑप्शन में नहीं है और ऑडिटरी भी नहीं है, बैलेंस बता रखा है। तो इट मींस ये करेक्ट नहीं है क्योंकि बैलेंस का काम तो बेसिकली सेरेबेलम हमारा जी देखता है, तो ये भी गलत हो गया। फर्स्ट वाला सर हमारा यहाँ पर नॉट करेक्ट पूछा है इसने, तो यह भी हमारा गलत हो गया, पहला वाला सही था। सेरेबेलम कंट्रोल ऑन स्केलेटल मसल, ये हम पहले वाली गुरुनीति में भी मैंने एक स्टेटमेंट काफी फेमस बताया था कि जो हमारी स्केलेटल मसल्स हैं उनका इनवॉलेंट्री कंट्रोल सेरेबेलम करता है। ये स्टेटमेंट भी क्या है, सही हो गया, करेक्ट हो गया सर हमारा, फर्स्ट सही है और ये हमारा फॉल्स हो गया। स्पाइनल कॉर्ड रेगुलेशन ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन जी, लास्ट क्लास में भी हमने इस रिफ्लेक्स आर्क बनाया था सर। तो रिफ्लेक्स जो एक्शंस होती हैं वो क्रेनियल भी हो सकती है और स्पाइनल भी हो सकती है। तो मेजर फॉर्म में जो इनवॉलेंट्री एक्शंस को रेगुलेट कर रहा है वो क्या है, स्पाइनल कॉर्ड रेगुलेट कर रहा है। ये स्टेटमेंट भी क्या है, करेक्ट हो गया सर।
तो फाइनली अगर हम देखें सर इन चारों क्वेश्चन चारों ऑप्शन में, तो हमारा जो सेकेंड स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट हो जाता है, और हमसे यही पूछा है नॉट करेक्ट, तो हमारा आंसर भी सेकेंड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, अब ट्रू और फॉल्स हमें देखना है, तो देखिए क्या बोल रहा है सर ये, the exoplasm inside the axon contains high concentration of potassium and negatively charged protein. ये बात यदि इस तरीके से बात करें कि बाहर की साइड में क्या हो, रेस्टिंग कंडीशन में पॉजिटिव, अंदर की साइड में क्या है, नेगेटिव, तो ये बात, ये स्टेटमेंट सही है, करेक्ट है। बाहर की तरफ पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि वहां पर सोडियम आयन ज्यादा अमाउंट में, अंदर की तरफ पोटेशियम एंड नेगेटिव चार्ज प्रोटीन्स होते हैं और फास्फेट होता है जिनका नेगेटिव चार्ज होता है जी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही हो गया सर। फिर सेकंड है, द एक्सोप्लाज्म इनसाइड द एक्सोन कंटेन लो कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम, यही बात यहां पर भी ये बता रहा है, बिल्कुल एक्सोप्लाज्म के अंदर कम है, ये स्टेटमेंट भी क्या हुआ सही हो गया सर। द फ्लूइड आउटसाइड द एक्सोन कंटेन्स लो कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम, लो कंसंट्रेशन इट मींस आउटसाइड की बात कर रहा है तो कम ही है कंसंट्रेशन, ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया सही। तभी लीकेज चैनल से जो पोटेशियम है वो हमेशा एक्सोन एक्सोप्लाज्मा से बाहर की तरफ मूव करता है यानी सेल से, तो ये स्टेटमेंट भी सही हो गया। द फ्लूइड आउटसाइड द एक्सोन कंटेन्स ए लो कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम एंड नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन, ये स्टेटमेंट गलत हो, रॉन्ग हो गया, क्योंकि बाहर की आउटसाइड में तो सोडियम कंसंट्रेशन ज्यादा होनी चाहिए सर। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग होने की वजह से मैं कह सकता हूँ फोर्थ स्टेटमेंट फॉल्स होना चाहिए जी, और बाकी फर्स्ट सेकंड थर्ड ये ट्रू होने चाहिए, यानी TTTF हमें ढूंढना है, इट मींस थर्ड ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट सही हो जाता है, ये थर्ड ऑप्शन हमारा ट्रू 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 और फॉल्स। द नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड, अब सर ये नर्वस सिस्टम का क्लासिफिकेशन यहाँ पर इस क्वेश्चन में पूछा गया है, ये बोल रहा है कि नर्वस सिस्टम को हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं, अब जब डिवाइड करते हैं तो इसके फर्स्ट वाले पार्ट में क्या कंसिस्ट है और बाद में क्या कंसिस्ट है, तो हम लोग अगर नर्वस सिस्टम को डिवाइड करेंगे तो दो में डिवाइड कर सकते हैं, पहला हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा हो गया पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जी। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम जैसा मैंने बताया भी था कि हमारी बॉडी की सेंट्रल एक्सिस में जो नर्वस सिस्टम का पार्ट मौजूद है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, तो हमारी बॉडी के सेंट्रल एक्सिस में ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है, तो CNS के दो पार्ट हो गए जैसा कि सर ने लिखा, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, और पेरिफेरल बॉडी की जो पेरिफेरी है उस पे जो हमारे नर्वस सिस्टम का पार्ट है जैसे कि नर्व्स हो गई जो, वो क्या बनाएंगी, PNS बनाएगी। CNS का मतलब यहाँ पर ब्रेन और स्पाइनल कोड को इंक्लूड किया जी सर, और PNS का मतलब इन्हीं से अराइज होने वाली, ब्रेन से अराइज होने वाली क्रेनियल नर्व और स्पाइनल कोड से अराइज होने वाली स्पाइनल नर्व। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि नर्वस सिस्टम डिवाइडेड इनटू CNS एंड PNS जी सर, द फॉर्मर कंसिस्ट, फॉर्मर मीन CNS वाला, CNS जी, CNS में क्या प्रेजेंट होगा, ब्रेन और स्पाइनल कोड, और आगे क्या है, लेटर, इट मींस नर्व आउटसाइड द CNS। इस तरीके का ऑप्शन चेक कर लेते, फर्स्ट वाला सर एकदम सही है ऑप्शन, पहला CNS आ रहा है, फिर PNS, ऑफ जो फॉर्मर वाला है उसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और जो लेटर वाला है उसमें द नर्व्स आउटसाइड द CNS। आगे थोड़ा सा देख लेते हैं, पहले ये दोनों सही हो गए, बट यहां पर ये CNS के अंदर इसने क्या डाल दिया, नर्व्स आउटसाइड, तो ये गलत हो गया, फिर इसने ANS बोल दिया तो ये भी गलत हो गया, फिर वापस फोर्थ भी ANS पहले दे दिया तो ये गलत हो गया सर, तो सही आंसर हमारा हो जाता है फर्स्ट ऑप्शन। 71 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है, मैच दी फॉलोइंग करना है हमें, निसल ग्रेन्यूल्स की बात कर रहा है ये, सिनेप्टिक नोड की बात कर रहा है, नोड ऑफ रेनिवर की बात कर रहा है, और मल्टीपोलर न्यूरॉन की बात कर रहा है। निसल ग्रेन्यूल का कई बार कंफ्यूजन रहता है, तो देखिए बच्चों इस तरीके से ये हमारे न्यूरॉन का साइटोन वाला पार्ट है और इस तरीके से डेंड्राइट यहां पे अराइज हो रही है, तो क्यों सर इसके अंदर यहां पर जो पार्ट है जो साइटोन का उसके अंदर और डेंड्राइट के अंदर इन दोनों में निसल ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होती है और एक्सोन वाले पार्ट में एब्सेंट होती है जी, इन्हीं को टिग्रोइड बॉडी भी बोला जाता है, टिग्रोइड बॉडी भी कहा जाता है, तो टिग्रोइड बॉडी या निसल ग्रेन्यूल हम कह सकते हैं मेजर फॉर्म में कहां पर प्रेजेंट होंगी, साइटोन में और
डेंड्राइट से, लेकिन एक्सोन में नहीं होंगे, नहीं होंगे यहाँ पर, नहीं होंगे। और ये बनी हुई रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट होती हैं, ऐसी रेटिकुलम तो हम कह सकते हैं कि राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन है, यानी आरएनए प्लस प्रोटीन से हमारी निसल ग्रेनुल बनी है। सिनेप्टिक नोब, ये सिनेप्टिक नोब इस एक्सोन का टर्मिनल पार्ट जी सर। इस सिनेप्टिक लोब के अंदर इस तरीके से सिनेप्टिक वेसिकल्स प्रेजेंट है जहां पर न्यूरोट्रांसमीटर फिलअप होते हैं, जो कैल्शियम के आने से ब्रस्ट हो जाती है जी, जिससे न्यूरोट्रांसमीटर बाहर रिलीज हो जाता है। नोड्स ऑफ रेनवियर, नोड ऑफ रेनवियर, ये हमारे पास, हम ये मान के चल रहे हैं कि ये क्या है, एक एक्सोन है सर। और इस एक्सोन पर कंसेंट्रिक लेयर, लिपिड की कंसेंट्रिक जो लेयर है उनमें बीच बीच में इस तरीके से गैप मिलेगा, गैप मिलेगा। तो ये जो गैप है इन्हें ही हम नोड ऑफ रेनवियर बोलेंगे। ये क्या है, माइलिन शीथ। फिर मल्टीपोलर न्यूरॉन, लास्ट गुरुनीति में हमने एक्सप्लेन किया था यूनिपोलर, एपोलर, बाइपोलर और मल्टीपोलर। मल्टीपोलर हमारी बॉडी में मोस्ट ऑफ द पार्ट में जो टिपिकल न्यूरॉन है उन्हीं को बोलते हैं मल्टीपोलर, जैसे कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स में हमारे काफी प्रेजेंट होते हैं। तो अब इस आधार पर सर अगर हम लोग मैचिंग करें तो निसल ग्रेन्यूल के लिए जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो डी, डी हो जाएगा। तो वहां पर डी लिख सकते हैं जी सर, यहाँ पे हमने डी लिख दिया। फिर सिनेप्टिक नोब, तो सिनेप्टिकल वेसिकल में न्यूरोट्रांसमीटर फिलम ट्रांसमीटर भरा हुआ है, सी सी लिख सकते हैं सर इसको हम लोग। नोड्स ऑफ रेनवियर, तो गैप बिटवीन टू एडजेसेंट माइलिन शीथ, दो माइलिन शीट के जो आवरण है समीपवर्ती उसके मध्य में जो गैप है, गैप है। तो यहाँ पर यानी कि मैं ए लिख सकता हूँ सर। फिर है मल्टीपोलर न्यूरॉन, तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स में पाया जा सकता है बी। तो कुल मिलाकर के सर ये हो गया हमारा कोड डी सी ए बी, इट मींस करेक्ट ऑप्शन सेकंड हो जाता है। तो आंसर हमारा सेकंड हो गया। 72 नंबर का क्वेश्चन है सर, काफी अच्छा है वैसे, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। डैश सेंड सिग्नल्स अवे फ्रॉम न्यूरॉन, वेयर इज डैश रिसीव सिग्नल फ्रॉम द अदर न्यूरॉन। यदि इस तरीके से हम बात करें जैसे कि अभी आपने डायग्राम बनाया था कि इस पार्ट को हम एक्सोन मान लेते हैं, इस पार्ट को हम डेंड्रोन मान लेते हैं जी, इस पार्ट को हम साइटोन मान लेते हैं। ये डायरेक्शन जो मैं यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा हूं यही नर्व इंपल्स, कई बार हम डायग्राम बनाते हैं तब ये डायरेक्शन जो बना रहे इसका मतलब डेंड्रोन से जो मैसेज आएगा साइटोन को पास होगा, साइटोन की तरफ जाएगा, और जो एक्सोन को आएगा तो वो नेक्स्ट न्यूरॉन की तरफ, इट मींस साइटोन से अवे ये साइटोन टुवर्ड्स। तो मैच करवा सकते हैं बिल्कुल सर। तो डेंड्राइट जो सिग्नल है वो बेसिकली क्या कर रही है, डेंड्राइट तो रिसीव कर रही है सिग्नल को, है ना जी, और एक्सोन जो है वो सिग्नल को सेंड कर रहा है। तो एक्सोन और डेंड्राइट इसका आंसर होना चाहिए। पहले में जैसे यहां पर एक्सोन आना चाहिए और उधर डेंड्राइट आना चाहिए। तो इस आधार पर सर देखें तो फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया, सिनेप्स की बात भी यहां पर गलत हो जाती है, ये बात भी गलत हो जाती है। तो सर आपकी तरफ का फोर्थ ऑप्शन एकदम सही आंसर हो जाता है इसका जी। चलिए सर नेक्स्ट पे चलते हैं। ड्यूरिंग सॉल्टेटरी कंडक्शन ए नर्व इंपल्स जंप्स फ्रॉम वन डैश टू अनादर, ठीक है। तो अब सॉल्टेटरी कंडीशन की ये बात कर रहा है सर, ये माइलिन शीट की लेयर हो गई जैसा अभी आपने पहले वाले डायग्राम में भी बनाया था जी, और ये नोड हो गया जी। तो हम ये कह सकते हैं ये पार्ट कौन सा हो गया, नोड ऑफ रेनवियर। रेनवियर यहां पर ये माइलिन शीट इंसुलेटिंग लेयर की तरह काम कर रही है सर, ये भी इंसुलेटिंग लेयर की तरह काम कर रही है। यहां पर ओपन स्पेस है, तो हम यहां से यदि साल्टेटरी कंडक्शन, फर्स्ट क्वेश्चन में हमने कंडक्शन और ट्रांसमिशन देखा, इसका मतलब एक न्यूरॉन से दूसरा न्यूरॉन यहां पर इन्वॉल्व नहीं है, कंडक्शन न्यूरॉन की बात हो रही है। तो यहां से यदि एक नोड ऑफ रेनवियर है और ये दूसरा नोड ऑफ रेनवियर है तो ये यहां से जंप करेगा, यहां पर आएगा, इसी को जंपिंग इंपल्स या साल्टेटरी कंडक्शन बोलते हैं। यहां डिपोलराइजेशन होगा, फिर उसके बाद जस्ट डिपोलराइजेशन यहां होगा, तो ये इस तरीके से वहां ट्रांसमिट हो, इस जगह पर पॉसिबल हो नहीं सकता क्योंकि इंसुलेटिंग लेयर की तरह यहां लिपिड लेयर प्रेजेंट। यस सर आपने एकदम सही कहा, इस तरीके से डिपोलराइजेशन में अगर हम लोग देखें तो पोलरिटी चेंज होती है, यहां बाहर की तरफ पॉजिटिव है, यहां अभी
अंदर की तरफ नेगेटिव है और यहाँ डिपोलराइजेशन होगा तो बाहर नेगेटिव हो जाएगा, अंदर की तरफ पॉजिटिव हो जाएगा। नॉर्मल फिजिक्स का रूल है, माइनस से प्लस की तरफ अट्रैक्शन होगा तो इंपल्स इस तरीके से यहाँ पर जंप कर जाएगी। तो नोड ऑफ एक रेनिवियर की नोड से सेकंड पे जंप करेगी। तो सर इसके हिसाब से आंसर के अंदर करेक्ट ऑप्शन थर्ड ऑप्शन हमारा एकदम सही हो जाता है। तो आंसर अभी हमारा क्या हो गया, थर्ड हो गया। मॉलिक्यूल्स ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज्ड फ्रॉम द प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन बाइंड टू द रिसेप्टर्स ऑन द केमिकल स्नैप्स की बात कर रहा है सर। इस तरीके से हम एक डायग्राम बना सकते हैं। जी सर। दीज आर द सिनेप्टिक वेसिकल्स, ये एक्सॉन टर्मिनल हो गया, दीज आर द रिसेप्टर, ये प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन और ये पोस्ट सिनेप्टिक, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, दिस इज सिनेप्टिक क्लेफ्ट जी। और इन तीनों को यदि ऐड कर दिया जाए तो साइनेप्स, तो अब ये बात कर रहा है, पर बात कर रहा है ग्राहियों से बनते हैं, बाइंड टू रिसेप्टर, तो रिसेप्टर की लोकेशन हमें पता लग गई। रिसेप्टर कहां पर प्रेजेंट होता है, पोस्ट सिनेप्टिक पे। इट मींस करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन हो जाएगा। यहां से अगर फटाफट से शॉर्ट में देखें तो यहां से जैसे ही इंपल्स आती है सर, कैल्शियम के लिए परमिलिबिलिटी बढ़ गई, कैल्शियम अंदर आया, ये जो है ब्रस्ट हुई सिनेप्टिक वेसिकल, इनसे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होकर सिनेप्टिक क्लेफ्ट में आया। अब इसको डीपोलराइज कराना है तो ये रिसेप्टर से जाके बाइंड हो जाएगा और फिर यहां पर आकर के सोडियम गेटेड चैनल है इन्हें ओपन कर देगा। तो ये जो पहले रेस्टिंग कंडीशन में थी डेंड्राइट, अब ये कैसी हो जाएगी, एक्शन पोटेंशियल, पोटेंशियल इसमें जनरेट हो जाएगा जी। तो यहां से एक्शन पोटेंशियल साइनेप्स के यहां पर पहुंचा है, मींस एक न्यूरॉन से दूसरे पर पहुंचा है, तो ये ट्रांसमिशन होगा, ये कंडक्शन नहीं होगा। कंडक्शन मतलब आज की बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीख रहे हैं हम लोग, कंडक्शन मतलब अगर सेम न्यूरॉन में हो, और ट्रांसमिशन मतलब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में हो जी। तो आंसर सर इसका लगा देते हैं फर्स्ट, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। Although extending from the end of the spinal cord, the dash contain no neural fibers. अब synaptic जो है हमारा वाला topic जो question था उसके बाद में second question ये है जिसमें अब ये बात कर रहा है spinal cord की। Spinal cord की यदि बात करें तो हम ये कह सकते हैं ये वाला portion किसका है, brain का, brain का हो गया। Brain का ये portion यदि मैं बात करूँ, brain के भी three अलग अलग portion है। जी सर। Forebrain, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन का जो लास्ट पार्ट है मेडुला, मेडुला उसका जो कंटिन्यूएशन पार्ट जो है, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड फोरामेन ऑफ मैग्नम से जो अराइज होता है, यहाँ पर फोरामेन मैग्नम जी। अब ये जो स्पाइनल कॉर्ड यहाँ से अराइज हुआ, तो इसका ये एक पार्ट है, जिस तरीके से एक घोड़े की पूंछ होती है हॉर्स टेल, उसी तरीके से यहाँ पर बंच ऑफ नर्व अराइज होते हैं, इसीलिए इस पार्ट को बोलते हैं कोडा इक्विनम। जी सर। कोडा इक्विनम, इक्वाइन जो है वो घोड़े के लिए काम में लिया जाता है, हॉर्स के लिए इक्वाइन वर्ड, इक्वस, इक्वस मॉडर्न हॉर्स का नाम है, इक्वस, इक्वस। और ये जो कोडा इक्विना है उसके बाद जो ये पार्ट यहां से अराइज हो रहा है इसको बोलते हैं फाइनल टर्मिनल। तो फर्स्ट यहां पर अगर देखें सर, फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्री से लेकर के ये L1 और L2 तक ये हमारा जो है पार्ट मौजूद रहता है, और यहां तक जो ब्रेन में जो हमारी मेनिंजियल्स थी, ड्यूरामेटर, अरेकेनॉइड और पायामेटर, तब सभी प्रेजेंट रहती हैं। तो इसकी कवरिंग्स आउटर मोस्ट ड्यूरामेटर, देन अरेकेनॉइड, देन पायामेटर, वो यहां पर भी प्रेजेंट है और यहां पे भी, पर यहां के बाद केवल पायामेटर है, ओनली पायामेटर लास्ट तक, इसीलिए ये इसमें कोई नर्व भी नहीं होता है ना सर, इसमें कोई, इसीलिए ये नॉन सेंसरी पार्ट, नॉन सेंसरी पार्ट। तो इस नॉन सेंसरी पार्ट को क्या बोल रहे हैं हम, फाइनम टर्मिनल। अब टर्मिनल वर्ड भी सर लास्ट तक होता है, ये कॉकेक्स बोन तक, यानी कि जो हिप बोन है वहां तक ये अराइज होता है, इसीलिए टर्मिनल लास्ट वाला पार्ट। तो फाइलम मतलब धागे की तरह एक तरीके से जी। तो सही आंसर सर इसका सर्विकल एनलार्जमेंट तो होगा नहीं, कोनस मेडुलरिस, ये जो कोनिकल शेप स्ट्रक्चर है क्वाडा इक्विना की, इसे कोनस मेडुलरिस हमने
नाम दिया है। ये तो सेंसरी स्ट्रक्चर है। क्वेडा इक्विना भी यहाँ से अराइज हो रही है, तो ये भी है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा सर? फाइलम टर्मिनल। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं सर। इफ वेगस नर्व इन मैन इज डैमेज, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी अफेक्टेड। तो सर वेगस नर्व की बात कर रहे हैं जी, इसका मतलब हम वेगस की बात करें तो वेगस कौन सी है? 10 जिसकी मैक्सिमम ब्रांचेज है। जी सर, अलग अलग पार्ट में ब्रांचेज है इसकी, हार्ट के अंदर भी इसकी ब्रांच है, इसकी इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर भी ब्रांच है, इसके पैनक्रियाटिक रीजन के अंदर भी ब्रांच है, और वेगस जो है ये पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का भी एक पार्ट है। जी सर बिल्कुल, क्योंकि पैरासिंपैथेटिक जो नर्वस सिस्टम है उसी को क्रेनियल सेक्रल आउटफ्लो भी बोलते हैं। क्रेनियल सेक्रल, तो क्रेनियल जो पार्ट है वो इस क्रेनियम से रिलेटेड है। जी सर, इसके अलावा भी वहां पर कुछ क्रेनियल नर्व और भी प्रेजेंट होती हैं पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में। यदि मैं बात करूं इस क्रेनियम की, तो वहां पर भी ये 10th जो है जिसे वेगस नर्व बोल रहे हैं, मैक्सिमम इसके अंदर ब्रांचेज हैं। तो इसमें मैं कह सकता हूं पैनक्रिया का जो सीक्रेशन है वो भी अफेक्ट होगा, बिल्कुल। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मूवमेंट वो भी अफेक्ट होंगे, कार्डियक मूवमेंट वो भी अफेक्ट होंगे, क्योंकि पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पर भी काम कर रहा है यहां पर, ये 10th की फॉर्म में, और हार्ट के ऊपर भी काम कर रहा है, लेकिन टंग की मूवमेंट पर किसी भी प्रकार का यहाँ पर रोल नहीं होगा। इट मींस करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर क्या होगा? हाँ, क्योंकि सर इसने नॉट बी अफेक्टेड पूछा है, ठीक है, नॉट वर्ड से पूरा स्टेटमेंट ही चेंज हो जाता है जी। तो इसलिए आपने सही कहा सर, टंग मूवमेंट जो है वो अफेक्टेड नहीं होंगे। तो सही आंसर हमारा 76 का थर्ड ऑप्शन हो गया। अब ये बहुत ही, हमने लास्ट टाइम जो ट्रिक से समझा था वही क्वेश्चन इस तरीके का वापिस आया है। जब इमेज रेटिना के फ्रंट पे बनती है जी, तो उस डिजी उसको हम क्या कहते हैं? इस तरीके से हम बना लेते हैं जी सर, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये हमारे पास आई लेंस है, ये हमारे पास रेटिना है। एग्जैक्ट इमेज यहां पर बननी चाहिए जी, ये रेटिना पर इमेज बनी है, लेकिन इससे पहले बने और इसके बाद बने तो ये बिहाइंड रेटिना हो गया और ये फ्रंट ऑफ रेटिना हो गया। यहां से ये नियर है, हाँ, यहां से ये फार है। तो इसलिए इस डिजीज को तो हम कहेंगे पहले बनेगी नियर साइटेडनेस, इसको फार साइटेडनेस, यानी और इसी का सेकंड नाम मायोपिया। हम ये कह सकते हैं नियर मींस शॉर्ट, शॉर्ट फार मींस लॉन्ग। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इन फ्रंट ऑफ रेटिना बन रहा है, इसका मतलब इमेज ऐसी बन रही, ऐसी बन रही। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, ऑप्शन चेक कर सकते हैं। तो सर लॉन्ग साइटेडनेस जो है, जो ये है फार साइटनेस जी सर, इट मींस ये तो किसकी वजह से था? विटामिन ई की कमी से। ये जब पीछे बने मींस फार साइटनेस को रिप्रेजेंट कर जी सर, और ये विटामिन ए की, और ये हमारा वो जो सर आंसर हो गया बिल्कुल। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? फोर्थ ऑप्शन हो गया जी। और इसमें सर एक और चीज आपने बताई थी कि छोटा वर्ड है, तो इसके लिए जो लेंस हम लोग यूज करेंगे करेक्ट करने के लिए वो भी छोटे वर्ड वाला, मींस कॉन्वेक्स है और कॉनकेव है, तो ज्यादा वर्ड किसमें है? कॉनकेव में, कॉनकेव। और फार और नियर में ज्यादा वर्ड किसके पास है? नियर में, नियर। तो नियर में 4 वर्ड है, फार में 3 वर्ड है, तो नियर को ठीक करेगा कॉनकेव और फार को ठीक करेगा कॉन्वेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू और फॉल्स रिगार्डिंग द गिवन फिगर। सर ये फिगर दे रखा है, इसकी पहले लेबलिंग करेंगे जी, देन फिर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जी। सो ए तो सर हो गई डेंड्राइट, डेंड्राइट। बी सर ये साइटोन वाले पार्ट के अंदर डॉटेड स्ट्रक्चर जिनको बता रहा है, तो ये निसल ग्रेन्यूल्स की बात कर रहा है जी। सी सर ये श्वान सेल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ई जो है वो नोड ऑफ रेनिवर हो गया, और डी एक्सॉन। एक्सॉन भी हो सकता है और माइलिन भी हो सकती है, कोई भी एक मान सकते हैं जी सर। इसके बेसिस पर हम ऑप्शन ऑप्शंस देखते हैं। तो ए मेक इट मल्टीपोलर, हाँ, ये जितने ज्यादा होंगे जैसे मल्टीपोलरिटी प्रोवाइड करेगी, तो ये बात एकदम सही होगी सर, ट्रू ट्रू।
सी सीक्रेट डी एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रैपिड कंडक्शन। ये सी जो सीक्रेट कर रहा है ये माइलिन शीथ, और माइलिन शीथ जहां पर होगा वो फाइबर माइलिनेटेड होगा, और माइलिनेटेड में कंडक्शन नॉन माइलिनेटेड के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। तो सी यानी कि शॉन सेल सीक्रेट कर रहा है माइलिन शीट और उसके कारण कंडक्शन फास्ट हो रहा है। तो ये स्टेटमेंट भी सर हमारा ट्रू सही है, इसमें कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। फिर बी आर दी फ्रेगमेंट्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अलोंग विद राइबोसोम्स। अभी कुछ देर पहले आपने बताया निसेल ग्रेन्यूल, निसेल ग्रेन्यूल और टिग्रोइड बॉडी राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बने हुए हैं, तो इसका मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम यदि वहां पर अटैच है तो इसका मतलब क्या हो गया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये स्टेटमेंट भी सही है जी। E रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉल्टेटरी कंडक्शन इन द माइलिनेटेड न्यूरॉन्स। E सर नोड ऑफ रेनिवर हो गया। अभी कुछ देर पहले इस तरीके का क्वेश्चन भी डिस्कस किया है। देखा था। सही सर। तो इसका मतलब फर्स्ट से लेकर फोर्थ तक ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ट्रू। हाँ, ट्रू। इट मींस सभी स्टेटमेंट ट्रू कौन से ऑप्शन में? सेकंड ऑप्शन में सर सभी स्टेटमेंट ट्रू है। टी 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 करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा सर? सेकंड ऑप्शन में जाएगा सर। इसको भी थोड़ा लिख लेते हैं। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच एंड देन सेलेक्ट द करेक्ट फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। इनकरेक्टली मैच जो है और करेक्ट ऑप्शंस में से हमें उसे सेलेक्ट करना है जी। तो ऑप्टिक नर्व द्रक तंत्रिका टू विजुअल कॉर्टेक्स एरिया ऑफ द ब्रेन। ये स्टेटमेंट हम ये कह सकते हैं, ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है, करेक्ट हो गया सर। ऑडिटरी नर्व टू ऑडिटरी कॉर्टेक्स ऑफ द ब्रेन। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, ये भी सही है, ये भी हमारा सही है। ऑल्फेक्शन यानी सूंघने की जो क्षमता होती है, ऑटोनॉमिक रिस्पॉन्स, लिबिडो, लिबिडो मींस सेक्सुअल बिहेवियर, तो इन बाय हाइपोथैलेमस। नहीं, अकेले हाइपोथैलेमस से नहीं हो सकता, सेक्सुअल बिहेवियर, रेज जो आक्रोश होता है, लव जो प्यार होता है, ये सभी चीजें हाइपोथैलेमस अकेला परफॉर्म नहीं करता है। हाइपोथैलेमस के साथ में लिम्बिक सिस्टम मींस हिप्पोकैम्पस लोब एंड एमिग्डाला, ये दोनों स्ट्रक्चर इससे साथ अटैच होंगे तब जाके परफॉर्म करेगा। इट मींस थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, और यदि इसको लिम्बिक सिस्टम के साथ में ऐड कर दिया जाए तो ये करेक्ट करेक्ट हो जाएगा। क्रिस्टा एंड मैक्यूला बैलेंस ऑफ बॉडी पोस्चर। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। इट मींस फर्स्ट सेकंड और फोर्थ तो करेक्ट है, थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट था, हमने उसे करेक्ट करना है तो हमें लिम्बिक सिस्टम उसके साथ लगाना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन सर इसमें थर्ड करेक्ट है बाय लिम्बिक सिस्टम। जैसा आपने कहा कि अगर हम हाइपोथैलेमस तो दे ही रखा है, अगर इसके साथ लिम्बिक सिस्टम लगा देंगे तो ये करेक्ट हो जाएगा। इट मींस ये स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। सेकंड में है, सेकंड स्टेटमेंट तो वैसे ही ट्रू था तो ये यहां पर लिम्बिक से इसका कोई रिलेशन नहीं है। थर्ड जो है स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, पर मेडुला लगा दिया था इसलिए गलत हो गया। फर्स्ट करेक्ट तो वैसे ही था, और पोन्स की बात करें तो पोन्स के यहाँ पर रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो हमारा कुल मिलाकर के हमने सही आंसर जो हो गया वो फर्स्ट हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट रोड्स कंपेयर टू कोन्स। इट मींस रोड्स का कौन से कंपैरिजन किया गया? जी सर, ये हमारे फोटोसेंसरी सेल्स है जो रेटिना में फोटोरिसेप्टर सेल, फोटोरिसेप्टर सेल, फोटोरिसेप्टर सेल में रोड्स एंड कॉन्स, कॉन्स कॉन्स कैसी लाइट में? ब्राइट लाइट। रोड्स किसके लिए? डिम लाइट के लिए। इसका मतलब पहली चीज तो हमें ये कंपैरिजन करना आना चाहिए कि ब्राइट लाइट के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है और डिम लाइट के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है। सही है सर। और जो रोड्स होते हैं वो सिंगल तरह के होते हैं, और कॉन्स होते हैं वो थ्री टाइप के होते हैं। जो इसके पास थ्री डिफरेंट टाइप के जीन्स रेस्पॉन्सिबल है जी, जो जेनेटिक्स में हम पढ़ेंगे कि साइनोलैब है, एरिथ्रोलैब है जी, इस तरीके की जो जीन्स है वो ब्लू, ग्रीन और रेड के लिए रेस्पॉन्स, एरिथ्रोलैब, साइनोलैब। तो हम ये भी कह सकते हैं कि सर जो कलरफुल विजन है उसके लिए कॉन्स रेस्पॉन्सिबल जी, कलर के लिए भी कौन है? कॉन्स रेस्पॉन्सिबल। और ब्राइट जो शार्पर इमेज, जो साफ इमेज जो है वो बेसिकली उसके लिए भी कौन सा रिस्पॉन्सिबल जी। अब इसी के रिगार्डिंग सर यहाँ पे ऑप्शंस दे रखे हैं, उनमें से हमें करेक्ट स्टेटमेंट्स को देखना है। करेक्ट की बात कर रही है। लास्ट गुरुनीति की यदि हम बात करें तो लास्ट में हमने ये भी देखा था, एक पॉइंट था वहां पर फोविया। उस फोविया के पास में रोड्स अब्सेंट होती है, लार्ज नंबर क्या होता है, कौन सा होता है, वहां ब्लाइंड स्पॉट भी देखा था। ब्लाइंड स्पॉट में
ऑप्टिक नर्व अराइज होती है। कैसे ऑप्शन दिए गए हैं एक बार चेक कर लीजिए। रोड्स आर मोस्ट न्यूमरस इन फोविया, स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया क्योंकि वहां पर तो हाईली कंसंट्रेटेड कॉन्स थे और सबसे शार्पर इमेज भी केवल वही बन रही थी जी। तो ये पहला वाला तो फॉल्स हो गया। रोड्स कंटेन रोडोप्सिन, बिल्कुल सही सही बात है। आपने बताया भी था कि रोडोप्सिन जो है वो हमारा दो चीजों से मिलकर बना है, रेटिनल प्लस ऑप्सिन जी। रेटिनल एक एल्डिहाइड था, ऑप्सिन एक प्रोटीन है हाँ, और जो रेटिनल है वो हमारे विटामिन है यानी रेटिनोल से बना है जी। तो एल्कोहलिक ग्रुप एल्डिहाइड में कन्वर्जन हुआ तब जाकर हम ये कह सकते हैं कि रोडोप्सिन बना और नाइट विजन के लिए रोड्स ही रेस्पॉन्सिबल होती है। ये बात एकदम करेक्ट हो गई। रोड्स प्रोड्यूस जनरल आउटलाइंस ऑफ ऑब्जेक्ट रेदर देन शार्प इमेजेस। हाँ, ये स्टेटमेंट हम ये कहें कि शार्प इमेज के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है। तो ये रोड्स जो है ये जनरल आउटलाइन जनरेट कर सकते हैं शार्प इमेज के लिए कौन से। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, करेक्ट हो गया सर। रोड्स प्रोड्यूस ब्लैक एंड व्हाइट बट नॉट द कलर इमेजेस। ये स्टेटमेंट भी हम ये कह सकते हैं कि कलर इमेज के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल, लेकिन रोड्स कलर इमेज के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है। तो कुल मिलाकर के बेसिकली यानी कि फोर्थ स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट हो गया। तो सर इनमें से हमारा फर्स्ट गलत था, बाकी के तीनों के तीनों सही थे। तो अब हमें इसमें से करेक्ट चार्टना है, इसने फर्स्ट इंक्लूड कर दिया तो ये ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया। थर्ड भी रॉन्ग हो गया क्योंकि वहां पर भी फर्स्ट है। अब वहां पे 50-50 देखें हम लोग तो यहाँ पर सेकंड और थर्ड को करेक्ट माना है, लेकिन ये भी तो करेक्ट है। इट मींस सेकंड पार्शियली करेक्ट था लेकिन फोर्थ कंप्लीटली करेक्ट। अब सही आंसर इसका फोर्थ आंसर हो जाता है जी। अब एंडोक्राइन से रिलेटेड क्वेश्चन है सर, ये हॉर्मोन्स दे रखे हैं हमें और कुछ उनके फंक्शन से रिलेटेड यहाँ पे बात की। ग्लूकागॉन, टेस्टोस्टेरोन, थायमोसिन और थायरोक्सिन जी। तो ग्लूकागॉन की अगर मैं बात करूं सर, तो ग्लूकागॉन जो था वो हमारे पेंक्रिया के ग्लाइकोजन को ये ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का काम करता है और इट मींस ब्लड के ग्लूकोज लेवल को राइज करे जी सर। तो ये कंडीशन ग्लूकोज का राइज होना हाइपर या हाइपो, हाइपरग्लाइसीमिया, हाँ, तो ऐसी कंडीशन इट मींस हम कह सकते हैं फर्स्ट को डी से मैच करवा सकते हैं बिल्कुल सर। और ये जो था वो हमारे आइसलेट्स ऑफ लैंगहेरेंस जो है वहां की अल्फा सेल से रिलीज होता है। फिर टेस्टोस्टेरोन जो है ये मेल जो है हमारा मेल सेक्सुअल हार्मोन है जी। तो ये सर स्पर्मेटोजेनेसिस या लिबिडो या मेल सेक्सुअल बिहेवियर से रिलेटेड है। इट मींस सेकंड का मैच हम सी से कर सकते हैं सर बिल्कुल। थायरोक्सिन जो है अब वो सेल मीडिएट इम्यूनिटी जो है यानी कि जो हमारा थायमोसिन है ये थायमस ग्लैंड से जो है हार्मोन है। थायमस जो है वो डिफरेंट टाइप के सेल के मैचुरेशन के लिए टी हेल्पर, टी साइटोटॉक्सिक, टी मेमोरी और टी सप्रेसर, इस तरीके की सेल्स को मैच्योर करवाना है। इट मींस जो थायमस है उसने थायमोसिन रिलीज किया और ये थायमोसिन जो है वो उन सेल्स की मैच्युरेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। इसका मतलब हमारे इम्यून रेस्पॉन्स को मैं कह सकता हूँ इम्यून रेस्पॉन्स को स्ट्रॉन्ग करने का काम कर रहा है। तो दो तरीके की आपने पढ़ी होंगी कि इम्यून रेस्पॉन्स या इम्यूनिटी, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो टी हेल्पर सेल जो होती है ये बी सेल को स्टिमुलेट करती है एंटीबॉडी प्रोडक्शन के लिए। बिल्कुल सर, ये बी को जो एंटीबॉडी सिक्रेटिंग सेल, एंटीबॉडी डायरेक्ट यदि बनेगी तो हम क्या बोलेंगे, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी AMI। और ये सेल क्या कर रही है, एंटीबॉडी बना नहीं रही है, हेल्प कर रही है। तो ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी यानी कि CMI और AMI जो कि हमें ए ऑप्शन दे रहा है। थर्ड को ए से मैच करवा सकते हैं जी सर, थर्ड को हम लोग ए से मैच बिल्कुल करवा सकते हैं। फिर थायरोक्सिन जो कि थायराइड ग्लैंड से रिलीज होने वाला हार्मोन है जिसके बहुत सारे फंक्शंस हैं, ये ग्रोथ की तरह ही काम करता है कि किसी के अंदर यदि थायरोक्सिन नहीं बनेगा तो उसके अंदर प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाएगी। और जैसा कि दूरदर्शन पर एक बहुत ही कॉमन एड भी आता है और काफी कि आयोडीन युक्त नमक नहीं खाने से प्रेगनेंसी टाइम पे जो बच्चा पैदा होता है वो मेंटली रिटार्डेड होता है जी, क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं थायरोक्सिन हार्मोन की रिक्वायरमेंट है। जैसे क्रिटिनिज्म केस है जी, क्रिटिनिज्म केस में क्या होता है कि उसकी ग्रोथ तो कम है ही है, कहीं ना कहीं
मेंटल एबिलिटी को भी कहते हैं, मेंटली वो रिटार्डेड बच्चा पैदा होने के चांस, लो आईक्यू जिसको बोलते हैं वहां पर। तो इस वजह से यानी कि थायरॉक्सिन है जो कहीं ना कहीं मैच्यूरेशन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम में काम करता है। तो सर इसमें हम लोग लगा देते हैं बी, डी सी ए बी। तो पहला गलत हो गया सर, सी से स्टार्टिंग हो रही है, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, थर्ड भी गलत हो गया और फोर्थ भी गलत हो गया। तो सही आंसर हो गया सर इसका सेकंड। Which of the following are influenced by parathyroid hormone? जी, तो parathyroid hormone में हमने इसकी location discuss की थी last class में। PTH हम बोल सकते हैं इसको। जी, PTH। और ये हम कह सकते हैं कि हमारे पास में इस तरीके से ये thyroid है। जी सर। Thyroid के मैं कह सकता हूँ dorsal surface पर इस तरीके से embedded form में क्या है parathyroid। और पैराथायरॉइड की पोस्टीरियर सरफेस और हमारी बॉडी की डोर्सल सरफेस। जी, तो ये जो पैराथायरॉइड ग्लैंड जो है ये कहीं ना कहीं ये किससे रिलेटेड है? कैल्शियम मेटाबॉलिज्म, कैल्शियम रेगुलेशन, कैल्शियम रेगुलेशन से, कैल्शियम कह सकते हैं, फास्फेट कह सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में कैल्शियम का और फास्फेट का इनका रेगुलेशन करना है। तो अब आपको पता है कैल्शियम कहां कहां पर प्रेजेंट है, तो हमारी बॉडी के अंदर हम कह सकते हैं किडनी में लॉस हो रहा है तो किडनी से निकाल सकता है, निकाल सकता है, एब्जॉर्ब। हमारी इंटेस्टाइन फूड मटेरियल में यदि कैल्शियम है तो वहां से ले सकता है, या फिर बोनी पार्ट में बहुत ज्यादा कैल्शियम है वहां से ले सकता है। कुल मिलाकर के इसी का जो एंटागोनिस्टिक हार्मोन है कैल्सिटोनिन, जी, तो दोनों में बहुत कंफ्यूजन रहता है। हमारे लिए जो मेजर सोर्स है वो कैल्शियम का बोन है, तो कैल्सिटोनिन का काम ब्लड से कैल्शियम को उठाना और बोन पर रखना, और पैराथायरॉइड हार्मोन का काम कहीं ना कहीं कैल्शियम को बचाना यानी बोन से निकाल करके ब्लड में डालना, और उसके अलावा किडनी से कैल्शियम को लॉस नहीं यानी वहां पे उसका रीअब्सॉर्प्शन करवाना। और जैसा आपने कहा कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फूड में हमारे कैल्शियम है उसका एब्जॉर्प्शन करवाना जी, और फॉस्फेट को बॉडी से निकालना जी। तो कुल मिला के हाइपर कैल्शियमिक हम कह सकते हैं, दिस इज हाइपर कैल्शियमिक और हाइपो हाइपोफॉस्फेटिक फॉस्फेटिक। तो यानी कि सर ये किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गन से पे तो काम करेगा नहीं, ये काफी सारे ऑर्गन्स पे काम करेगा, किडनी पे भी करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन पे भी करेगा, बोन्स पे भी करेगा जी। जैसा कि ऑप्शन है किडनी आ गया जी, बोन आ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन आ गया, हम कह सकते हैं कि मोर एंड लेस इन सभी पर ये काम करता है, तो मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट, बिल्कुल सर। फोर्थ ऑप्शन हो गया, नेक्स्ट पे चलते हैं सर। अब वापस से ये मैचिंग का हो गया, मैचिंग के क्वेश्चंस के कुछ फायदे ये भी होते हैं कि उसमें सर हमें कई सारे ऑप्शंस क्लियर हो जाते हैं, इंफॉर्मेशन भी इंफॉर्मेशन थोड़ी ज्यादा मिल जाती है। एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर ANF हर्ट से हम कह सकते हैं कि जो ANF है एट्रियल न्यूट्रियूरेटिक, न्यूट्री मींस सोडियम, सोडियम की बात हो रही है बिल्कुल। तो ANF जो है ये रास सिस्टम का अपोज करता है, बंद करवाने का काम करता है कहीं ना कहीं। ANF जो है ये करता क्या है, एक वैसो डायलेटर की तरह काम करता है जी सर। इट मींस वेसल्स को इसने डायलेट कर दिया, बिल्कुल वेसल्स को डायलेट करेगा तो बीपी को क्या करेगा, लो करेगा, तो मैच करवा सकते हैं ऐसा। और रास को बंद कर देगा तो सोडियम का जो रीअब्सॉर्प्शन हो रहा था उसे भी कहीं ना कहीं ये स्टॉप करेगा जी। तो इसका सर फर्स्ट ए का जो है आपने कहा डिक्रीज ब्लड प्रेशर, यानी कि ए में हम लोग क्या लगा सकते हैं सर, थर्ड। अब इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट और थर्ड तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता क्योंकि ए का मैच तो हमें थर्ड से करा, अब हमारे पास 50-50 चांस हो सके बिल्कुल। कॉलीसिस्टोकाइनिन, कॉलीसिस्टोकाइनिन ऑल्सो नोन एज CCK गॉल ब्लैडर पे जी, जो सी मींस CCK, सी मींस कॉलीसिस्टोकाइनिन, सी मींस कॉन्ट्रैक्शन इन गॉल ब्लैडर, कॉन्ट्रैक्शन गॉल ब्लैडर। तो ये कह सकते हैं कि गॉल ब्लैडर में यदि कॉन्ट्रैक्शन करेगा तो गॉल ब्लैडर में क्या स्टोर्ड है, बाइल, बाइल, तो हम कह सकते हैं बाइल का वहां से सीक्रेशन करवाएगी, यानी जैसे खाना हमारे डुओडेनम में पहुंचेगा तो स्मॉल इंटेस्टाइन इनका फॉर्मेशन करती है लोकल हॉर्मोन्स का, जो लीवर पे जाके गॉल ब्लैडर को कहते हैं कि भैया खाना आ चुका है अब आप जल्दी से बाइल जूस भेज दीजिए जी, जो फिर हमारी हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट के थ्रू पहुंचता है। तो कॉलीसिस्टोकाइनिन में जैसा कि आपने कहा फर्स्ट से मैच करवा सीक्रेशन ऑफ बाइल जूस में हेल्प कर रहा है, तो इसमें हमारी मैचिंग हो गई सर फर्स्ट। इट मींस अब हमारे पास जो 50 चांस था उनमें से भी क्लियर हो गया कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा,
हमारा बी का फर्स्ट मैचिंग है तो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा जी। पर सर अब इनके काम भी हम देख लेते हैं। गैस्ट्रिन हार्मोन जो है, गैस्ट्रिन जैसे ही खाना हमारे स्टोमक में पहुंचता है तो वहां पे फिर ये गैस्ट्रिन हार्मोन रिलीज होते हैं। गैस्ट्रिन हार्मोन गैस्ट्रिक जूस के कंपोनेंट्स को रिलीज करवाता है। गैस्ट्रिक जूस के कंपोनेंट अलग अलग है, पेप्सिनोजन हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, रेनिन है, गैस्ट्रिक लाइपेज है, इनसे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन दी जाए तो वो गैस्ट्रिन स्टिमुलेट करवाएगा। तो इसमें ऐसी फोर्थ से मैचिंग हो जाएगी। एक सर क्वेश्चन पूछा था कि जो एंजाइम्स होते हैं ये जंग के फॉर्म में, यानी कि इनएक्टिव फॉर्म में है, इनको यदि एक्टिवेट करना पड़े कहीं पर भी वर्ड इस तरीके का प्रो आ जाए या जन आ जाए, जैसे प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज है जी, या पेप्सिनोजन है, या प्रो रेनिन है, प्रो या जन, जन प्रो तो प्रीफिक्स की फॉर्म में और जन का मतलब सफिक्स की फॉर्म में, तो इनको एक्टिव करने के लिए किसी न किसी सब्सटेंस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी सर। जैसे मैं कहूं कि यहां पर पेप्सिनोजन को एक्टिव फॉर्म पेप्सिन में कन्वर्ट कराना है हाइड्रोक्लोरिक, तो HCl की रिक्वायरमेंट होगी। हाँ, और अगर रेनिन को रेनिन में कन्वर्ट कराना है। और सर अगर ये गलती से एक्टिव फॉर्म में ही बनते, अब जैसे पैनक्रिया अगर एक्टिव फॉर्म में बनाता तो ये इतने हैं कि घर के दुश्मन हो जाते, ये बिल्कुल वहीं पर डिस्ट्रॉय कर देते, जितने भी प्रोटीनियस कंपोनेंट है उनको ही खत्म कर देते। तो इसलिए दिमाग आर रिलीज्ड और दे आर पोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इनएक्टिव, और फिर इसलिए इनको जाके एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। फिर सर एरिथ्रोपोएटिन, जिसके बारे में लास्ट में भी पढ़ा था कि एरिथ्रोपोएसिस करवाएगा, एरिथ्रोपोएसिस एरिथ्रो वर्ड जो है वो आरबीसी से रिलेटेड है, तो आरबीसी का प्रोडक्शन जब-जब कंडीशन हाइपोक्सिया जनरेट होंगी, जब-जब हम प्लेन से माउंटेन की तरफ जाएंगे तो ऐसे में पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन डिक्रीज करेगा, तो वहां पर हमें आरबीसी का नंबर इंक्रीज करना है, वहां पर इसका रोल है। तो सर इसका हो जाएगा मैचिंग, सेकंड आंसर हम पहली बात कर चुके हैं, थर्ड फर्स्ट फोर्थ सेकंड फोर्थ आंसर हो गया सर इसका है। नेक्स्ट में चलते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस इज द रिजल्ट ऑफ हार्मोन सीक्रेटेड फ्रॉम, ग्लाइकोजेनेसिस यानी कि कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जो ब्लड का ग्लूकोज है उसको क्या कर दिया सर, डिक्रीज कर दिया सर, कैसी कंडीशन बना दिया, हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन, ग्लाइसेमिक। और हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन कौन डेवलप करता है, इंसुलिन जो है हमारा सेल्स में, कौन सी सेल से, बीटा सेल से, और पैनक्रियास, आइलेट ऑफ लैंगहेरेंस, एडिपोसाइट्स और हेपेटोसाइट्स पे एक्ट करता है, और हेपेटोसाइट पे एक्ट करके जो ग्लूकोस है वो उनको खिलाता है, और फिर ये उसे ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है, मसल्स भी कर। हम ये कह सकते हैं ये एक मोनोसेक्राइड की फॉर्म में है, ये एक पॉलीसेक्राइड में है, एक सिंगल ग्लूकोज ऐसा होता है, लेकिन ग्लाइकोजन की फॉर्म कुछ इस तरीके से होती है, 1-4 लिंकेज और ब्रांचिंग पॉइंट पर 1-6 लिंकेज, 1-6 लिंकेज। तो ये ग्लाइकोसिडिक जो बॉन्ड डेवलप हो रहा है स्ट्रेट लाइन पर 1-4 है जी सर, लेकिन ब्रांचिंग पॉइंट पर 1-6-1-6, तो इसको इसमें कन्वर्ट कराया, पॉलीमर फॉर्म बनाया, तो ये बनाएगा कौन, बीटा सेल, बीटा ये कहां पर प्रेजेंट है, पैनक्रियास। पैनक्रियास में भी दो पार्ट है, एसिनी और लैंगहेरेंस के। हाँ, जो द्वीप, जैसा कि लास्ट टाइम में आपने डिस्कस किया था सर कि ये एक मिक्स्ड ग्लैंड या हेटेरोक्राइन ग्लैंड है सर, तो उनमें भी जो आइलेट ऑफ लैंगहेरेंस है उसमें डिफरेंट टाइप की सेल्स हैं, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और पीपी सेल्स। उनमें से किसका रोल है, बीटा सेल्स। अगर सर यहां पर इसकी जगह पर जस्ट रिवर्स दे देता तो क्या हो सकता था, तो फिर सर हमारा ग्लूकागोन काम करता, तो ग्लूकागोन काम करता तो उसकी जगह पर फिर हमारा आंसर क्या था, अल्फा सेल। लेकिन अभी ऐसा दिया नहीं है, ऐसा दिया है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सर बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रिया, क्योंकि इंसुलिन के रिगार्डिंग इसने बात की है। बाकी तो सर बैठेगा नहीं वहां पे आंसर। Which of the following disease is caused by the under secretion of erythropoietin? तो आज की क्लास में erythropoietin के रिगार्डिंग अगर बच्चे कोई भी क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो ये बहुत ही आपके लिए सही बात नहीं होगी। आपने अगर गुरु नीति सर इन्होंने देखी है तो erythropoietin की तो पूरी कहानी हम लोग बात कर चुके हैं, बार बार इस चीज की बात कर चुके हैं, जेजी सेल से है, आरबीसी प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है, और अब ये और बात आ गई कि कौन सी डिजीज होगी। जब आरबीसी प्रोडक्शन नहीं होगा तो हम कह सकते हैं
सेल नंबर जो आरबीसी का है वो कम हो गया, कम हो जाएगा सर। और जब भी इस तरीके की ब्लड सेल्स की कमी आ गई है तो वो एनीमिक पेशेंट, और इस डिजीज को एनीमिया हम लोग कहते हैं जी। तो इसलिए सर एनीमिया आंसर हो जाएगा कि अंडर सिक्रेशन ऑफ इरिथ्रोपोएटिन, मतलब आरबीसी प्रोडक्शन लो हो गया जी। और आरबीसी प्रोडक्शन जब लो हो गया तो इस डिजीज को जो हम कहेंगे आरबीसी प्रोडक्शन के कम होने को, तो एनीमिया कहेंगे। तो सही आंसर क्या हो गया सर? फर्स्ट आंसर। ऑक्सीटोसिन की कहानी है सर यहाँ पे, लास्ट क्लास में भी कई बार हम ऑक्सीटोसिन के बारे में बात कर चुके हैं और आपने बताया भी था कि इसका रोल क्या क्या है। ऑक्सीटोसिन अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट हार्मोन है। ये सारे वो पॉइंट्स हैं स्टूडेंट्स, अगर आप लोग जो सीरियसली पढ़ रहा होगा समरी में आप इनको नोट कर सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन आने के चांसेस अपने शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में, शॉर्ट नोट की फॉर्म में हर क्वेश्चन एक शॉर्ट नोट की फॉर्म में बच्चों को मिल रहा है अगर वो नोट डाउन इसे करें। और ऑनलाइन का तो फायदा ये भी है कि आप वीडियो को पॉज करके वापस रिवाइंड करके हर तरीके से देख सकते हैं जी। और आपका अगर किसी रिगार्डिंग क्वेश्चन हो तो यूट्यूब के आप कमेंट सेक्शन में उस क्वेश्चन को पोस्ट कर सकते हैं, अगर आपको है तो हम उसको रिस्पॉन्ड वहां पे भी करेंगे जी। फंक्शंस की बात कर रहे हैं सर ये ऑक्सीटोसिन का, तो आपने सही लिखा मिल्क इजेक्शन, चाइल्ड बर्थ यानी कि पार्चुरेशन में भी हमारी क्या करता है, हेल्प करता है, और स्मूथ मसल कॉन्ट्रेक्शन करवा। जब चाइल्ड बर्थ हो रहा है तो वहां पर आगे जो चैप्टर है रिप्रोडक्शन, तो उसमें सर हम ये भी स्टडी करते हैं कि मैच्योर प्लेसेंटा एंड मैच्योर फीटस जो है वो फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स जनरेट करता है जी सर। तो वो करेगा क्या, वो मैटरनल पिट्यूटरी का जो पोस्टीरियर पार्ट है वहां पर स्टोर्ड ऑक्सीटोसिन है उसे रिलीज करवा देगा। वहां से रिलीज होकर वो ऑक्सीटोसिन कहां काम करेगा, वो ऑक्सीटोसिन पूरा एक रिफ्लेक्स जनरेट करेगा और वहां पे जो स्मूथ मसल्स हैं यूट्रस की जी उनमें कॉन्ट्रेक्शन डेवलप करवाएगा। इसका मतलब सी स्टेटमेंट करेक्ट हो गया सर, बी स्टेटमेंट भी करेक्ट हो गया, मिल्क इजेक्शन हार्मोन भी हाँ, और सर कॉन्ट्रेक्शन ऑफ स्मूथ मसल सेल्स ये भी। तो हम कह सकते हैं कि वहां यूट्रस के अंदर 9 मंथ में जो बेबी सर्वाइव कर रहा है तो वहां पर स्मूथ मसल्स, तो बहुत बड़ी बड़ी स्मूथ मसल्स हैं जी, उसकी ग्रोथ के लिए एक्सपेंड होने के लिए बहुत उसको स्ट्रेचेबल पावर मिली है जी। तो वहां पर भी जो स्मूथ मसल्स हैं तो हम कह सकते हैं उनमें कॉन्ट्रेक्शन भी कौन कराएगा, ऑक्सीटोसिन करवाते हैं सर। इसके कुछ अलग नेम भी हैं ऑक्सीटोसिन के, जैसे कि ये सर इन दोनों की ही है, वैसोप्रेसिन का हमने डिस्कस किया था, पिट्रेसिन और ऑक्सीटोसिन का फाइटोसिन। ऑक्सीटोसिन का ये जो एनिमल हस्बेंड्री में अगर हम लोग यूज देखें तो जो हमारे जो एनिमल्स होते हैं मिल्क एनिमल्स, अगर उनमें कई बार दूध नहीं आ पाता तो किसान वगैरह इस ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगा के उनमें मिल्क को इंड्यूस करते हैं जी। वैसे ये प्रैक्टिस गलत है। बहुत अच्छी बात बताई डॉक्टर आयुष पारिक ने, जैसे कि एनिमल हस्बेंड्री से भी बहुत ज्यादा नॉलेज रखते हैं डॉक्टर आयुष पारिक। तो डॉक्टर आयुष पारिक मुझे एक चीज और भी बताएं जी सर, जैसे कि कोई बच्चा सर्वाइव कर रहा है, वो 9 मंथ तक सर्वाइव किया मदर के यूट्रस में, लेकिन उसके 9 मंथ के बाद में जो लेबर पेन जिसे हम बोलते हैं कॉन्ट्रेक्शन जो स्मूथ मसल में डेवलप होता है सभी फीमेल में जनरेट नहीं हो पाता, तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं सर? ऐसे में हम लोग उनको वहां पर हार्मोनल थेरेपी देते हैं इंड्यूस कराने के लिए, हम लोग उनको आर्टिफिशियल जो हार्मोन है वो हम लोग तो पाइटोसिन की फॉर्म में हम लोग उन्हें देते हैं जी, ताकि उनके अंदर जो लेबर पेन है वो स्टार्ट हो जाए कहीं ना जी। और इसी तरीके का एनिमल हस्बेंड्री, ये तो ह्यूमन बीइंग की बात हुई, एनिमल हस्बेंड्री में आपने बहुत एक्सपेरिमेंट किए होंगे, तो जिस तरीके से कई बार कैटल्स का बच्चा खत्म हो गया, बिल्कुल सर, तो ऐसे में बच्चा खत्म हो गया, लेकिन आपको तो पता है सर कि लविंग हार्मोन तभी आता है जब बच्चा सामने होता है सर। अब उसका तो बच्चा खत्म हो गया, तो अब उसकी बॉडी से हमें मिल्क निकालना है, क्योंकि वहां पर मिल्क बहुत ज्यादा स्टोर, आजकल जैसे कि अमेरिकन काऊ है, डिफरेंट टाइप के काऊ है, तो उनके अंदर तो लार्ज अमाउंट ऑफ मिल्क स्टोर होता है। अगर उनका बच्चा खत्म हो गया तो अब उससे मिल्क निकालना है तो कैसे निकालना? वही सर मैंने बात की थी कि ये आजकल कॉमन प्रैक्टिस है कि वहां पर ऐसी कंडीशन में हम लोग अगर ट्रेंड वेटनेरियन की हेल्प से आर्टिफिशियल हार्मोन ऑक्सीटोसिन का हम लोग यूज कर सकते हैं, बट रेगुलर बेसिस पे इसे यूज करना क्या होता है कई बार एनिमल के लिए नुकसानदायक होता है, हमें ऐसा प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए। हमें और भी जो दूसरे तरीके हैं उसके डाइट से रिलेटेड, या कई बार कंडीशन सही नहीं होती तब वो मिल्क नहीं दे पाती। ऐसा एक इंटरेस्टिंग है, एक डेयरी है जहां पर सर इसको इंड्यूस करने के लिए, मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए
हनी सिंह के गाने प्ले किए जाते हैं, जब भी मिल्किंग होती है तो वहां पे हनी सिंह के गाने प्ले किए जाते हैं। ऐसे में देखा गया कि जब वो गाने प्ले होते हैं तो जो काऊ होती है, जो उससे मिल्क है, उसके अंदर प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट हमें देखने को मिला है। तो और भी बहुत इनोवेटिव तरीके हैं। इट मींस इंड्यूसिंग, मतलब उस मदर के अंदर हार्मोन को इंड्यूस करने का मेथड है, मेथड है, अलग अलग मेथड अलग अलग है। बट हम लोग कुल मिला के अगर क्वेश्चन पे वापिस आए तो आर्टिफिशियल मिल्किंग के लिए हम लोग ऑक्सीटोसिन का यूज कर सकते हैं। चलिए सर नेक्स्ट पे चलते हैं। Which of the following is not a second messenger in a hormone action? जी, कोई भी हार्मोन एक्शन होती है जी सर, तो उसके लिए हार्मोन रिसेप्टर प्रेजेंट होता है सर, सही है, हार्मोन रिसेप्टर, और ये बाइंड करेगा तो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाए। जी सर, जैसे कि ये मैंने यहाँ पे ये हार्मोन का हमने डायग्राम भी देखा था, ये हार्मोन इस रिसेप्टर पे अटैच होगा जी। ये यहां से रिसेप्टर इससे अटैच होने के बाद आपने लिखा जैसे कि हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाएगा। अब यहां पर जो सेल के अंदर मैसेज लेकर के जाएगा उसे हम सेकेंडरी मैसेंजर, इसका मतलब सेकेंडरी मैसेंजर प्रोटीन रिलेटेड हार्मोन जो है उनमें ज्यादा इन्वॉल्व होता है। स्टीरॉइड नेचर तो डायरेक्ट खुद ही अंदर चले अंदर आ जाएगा क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड की है, तो स्टीरॉइड हार्मोन उनमें सॉल्युबल होते हैं तो सेल के अंदर आ सकते हैं और उनका रिसेप्टर भी सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। तो हम कह सकते हैं कि सेकेंडरी मैसेंजर के फॉर्म में कैल्शियम डाई एसाइल ग्लिसरॉल साइक्लिक एएमपी साइक्लिक जीएमपी और इस तरीके से डिफरेंट जो मैं बात कर रहा हूं ये सेकेंडरी मैसेंजर की तरह एक्स करते हैं सर, बिल्कुल। लेकिन यहां पर साइक्लिक जीएमपी भी करेगा, साइक्लिक एएमपी भी करेगा, कैल्शियम भी करेगा सर, बट सोडियम नहीं करेगा। अगर ऐसा करता तो बार बार हमारे को क्या है मैसेज मिलते रहते हैं क्योंकि डीपोलराइजेशन की फॉर्म में तो सोडियम चैनल का ही काम ज्यादा है जी सर, तो इस वजह से। पर सही आंसर क्या हो जाएगा सर इसका हमारा, क्योंकि इसने क्या पूछा, नहीं करेगा जी, नॉट लगा दिया, इस वजह से आंसर क्या हो गया हमारा, सेकंड सोडियम, बिल्कुल सर। नेक्स्ट पे चलते हैं। हॉर्मोन्स इन्वॉल्व इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, कौन से हॉर्मोन्स हैं जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है? कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में यहाँ पर इंसुलिन भी काम करता है, बिल्कुल सर, ग्लूकागोन भी काम करता है, एपिनेफ्रिन भी काम करता है, ग्लूकोकोर्टिकोइड भी काम करता है, लेकिन मैं कह सकता हूँ मेलेटोनिन नहीं करेगा, नहीं करता सर यहाँ पर, ये मेलेटोनिन नहीं करेगा, कैल्सिटोनिन भी नहीं करेगा, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सेकंड एपिनेफ्रिन, मतलब एड्रेनालिन जिसका नाम होता है। अब ये सर हमारा फीडबैक सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन है जी। टू द गिवन फिगर शोज द हार्मोनल कंट्रोल ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन विच फ्यू स्टेप्स आर मार्क्ड एज ए बी सी डी, आइडेंटिफाई द करेक्ट लेबलिंग। करेक्ट लेबलिंग को आइडेंटिफाई करना है तो हम ये कह सकते हैं ए, ए क्या है, जी एन आर एच, बी एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज हो रहा है तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये क्या है, FSH ओवरी, ओवरी से क्या होगा, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, और ये कहां पर काम करेगा, यूटेरस पर, हम मैच करवा सकते हैं क्योंकि हमने इस तरीके से देखा फीमेल वाला, क्योंकि ओवरी हमें हिंट मिल गया जी, मतलब अब ये फीमेल रिप्रोडक्टिव का फीडबैक सिस्टम यहां पर बात कर रहे हैं, तो इसके रिगार्डिंग हमारा सर मैच करेक्ट ऑप्शन है सेकंड ऑप्शन GnRH, FSHLH, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन और यूटेरस। नेक्स्ट पे चलते हैं सर। In hormone action, if the receptor molecules are removed from the target organ, the target organ will be. हम कह सकते हैं hormone receptor complex. जी सर. ये कब formation होता है? Hormone भी होगा, receptor भी होगा, तब जाकर complex बनेगा. Complex बनेगा सर. ये भी नहीं है, तो action नहीं होगी. नहीं होगी. ये भी नहीं है, तो भी action नहीं होगी. नहीं होगी. अब कह सकते हैं कि receptor को वहाँ से remove कर दिया गया है. जी सर. कोई भी respond. नहीं है, बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या होगा, तो पहला तो गलत हो गया, कंटिन्यू नॉट रेस्पॉन्ड सही आंसर हो गया, फिर हाँ और कंटिन्यू टू रेस्पॉन्ड भी गलत हो गया, ये तो मतलब जहां जहां पे कंटिन्यू बता रहा है रेस्पॉन्ड के लिए वो बातें तो गलत ही होगी सर, तो सही आंसर हमारा आपने जैसा कहा सेकंड ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाता है। 91 आइडेंटिफाई ए हार्मोन व्हिच इज प्रोड्यूस्ड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड इन बोथ मेल्स एंड फीमेल्स बट फंक्शन ओनली इन फीमेल्स, काफी अच्छा क्वेश्चन है सर। तो ये हार्मोन जो है जो फंक्शनल की बात कर रहा है, तो फंक्शनल जो होगा इसका मतलब वो मिल्क से रिलेटेड होगा, फीमेल के अंदर एक्टिव है, तो हम कह सकते हैं कि करेक्ट ऑप्शन यहां पर क्या होगा, प्रोलैक्टिन हो जाएगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन, कौन सा थायराइड हार्मोन का फंक्शन नहीं है? थायराइड हार्मोन हमारी बॉडी मेटाबॉलिक रेट को रेगुलेट करता है,
और BMR में सभी चीजें आ गई, प्रोटीन भी आ गया, फैट भी आ गया, इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट भी आ गया, सभी की मेटाबॉलिज्म में रेगुलेशन होना चाहिए। लेकिन देखो थर्ड ऑप्शन इसमें से क्या दिया गया है कि बट नॉट इन फैट, नॉट इन फैट। BMR को रेगुलेट कर रहा है जी सर, RBC को प्रोड्यूस करेगा, हेल्प करता है बिल्कुल, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करेगा, ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि फैट पे ऊपर भी ये काम करता है। तो आंसर हमारा वो, ये सर अब एक थोड़ा सा याद इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन है, ये आपको याद रखने ही है। हाउ मेनी टोटल सिंपैथेटिक गैंग्लियन प्रेजेंट इन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम? 21 पेयर प्रेजेंट होते हैं। बिल्कुल, तो ये इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन है, ये आपको याद ही रखना है। क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट कैल्सिटोनिन, जो हमने बात करी थी, यानी बोन से में कैल्शियम को लाने का काम, यानी ब्लड का कैल्शियम लेवल जो है उसे कम कर रहा है और बोन में कैल्शियम जो है ला रहा है कैल्सिटोनिन का। कैल्सिटोनिन से रिगार्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है जी सर। क्या कैल्सिटोनिन पैराथायरॉइड से रिलीज होगा? नहीं, ये स्टेटमेंट रॉन्ग होगा। सी सेल्स जो है थायरॉइड ग्लैंड की, क्या इस कैल्सिटोनिन के अंदर आयोडीन होगा? वो तो थायरोक्सिन हार्मोन में होता है। क्या ये कैल्सिटोनिन एक अमीनो एसिड डेरिवेटिव है? नहीं सर, गलत। केवल अमीनो एसिड ऑप्शन क्या होगा? रिलीज फ्रॉम द थायरॉइड। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट फॉलिंग इन ऑन रेटिना? इसका मतलब वो लाइट इंटेंसिटी की बात कर रहा है जी। लाइट इंटेंसिटी ज्यादा है या लाइट इंटेंसिटी कम है, यहां पर एक माइन्यूट ओपनिंग जो प्रेजेंट होती है वो रेगुलेट करेगी। और डॉक्टर आयुष पारिक उस माइन्यूट ओपनिंग को क्या बोलते हैं? प्यूपिल के नाम से हम लोग जानते हैं। आयरिस जो होता है वो कहीं ना कहीं, यानी कि अगर हम ब्राइट लाइट में जाते हैं तो जो प्यूपिल है हमारा वो डायलेट हो जाता है, ताकि डायलेट नहीं, क्या हो जाता है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, ताकि कम लाइट जाए। और जब हम लोग कम लाइट में होते हैं तो ज्यादा लाइट हमारे रेटिना पर पड़े, इंफॉर्मेशन ज्यादा हमारे ब्रेन को मिले, तो वो डायलेट हो जाता है। इस वजह से सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? फर्स्ट। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम लोगों ने 95 तक क्वेश्चन डिस्कस किए। एक और एपिसोड में आपसे मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।